हेलो एंड वेलकम टू रिमसीसी कुकिंग रेसिपीज। आज मैं मसाला खिचड़ी बनाने वाली हूँ। बारिश के मौसम में खिचड़ी से बढ़कर और कोई खाना हो ही नहीं सकता है। वैसे तो खिचड़ी हम सभी बना लेते हैं अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आज मैं खिचड़ी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ऐसे ये जल्दी बन भी जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करना, और आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मसाला खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल और 1/2 कप तुअर दाल लेकर इसे आधा घंटा भिगोकर रख दिया था। अभी प्रेशर कुकर को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। आप इसके जगह घी भी ले सकते हैं। तेल अभी गर्म हो गया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सरसों और 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता, इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसमें अभी हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज प्याज, और प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अभी हल्का सॉफ्ट हो गया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ करी पत्ता, और इसके साथ ही 2 हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और प्याज के साथ इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इससे ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करें, और अगर सब्जी ना भी हो तो आप सिर्फ आलू से भी इस खिचड़ी को बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो सब्जियों को मैंने मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए पका लिया है, और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोख किया हुआ दाल और चावल। दाल और चावल ऐड करने से पहले उसका पानी अच्छे से छान ले। इसे भी हम मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। आज मैं खिचड़ी को तुअर दाल से बना रही हूँ, लेकिन आप इसके जगह मूंग या मसूर दाल भी ले सकते हैं। तो मसालों के साथ मैंने चावल को 1-2 मिनट के लिए भून लिया है और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 कप पानी। अगर आप खिचड़ी को पतला रखना चाहते हैं तो और 1 कप पानी डाल देना। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम में 4 सीटी आने तक पकने देंगे। तो 4 सीटी मैंने लगा लिया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो प्रेशर कुकर अभी ठंडा हो गया है और इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है। अभी हम इसे चेक कर लेंगे। आप चाहे तो खिचड़ी को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पतली वाली खिचड़ी चाहिए तो इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर दें। इस टाइम पर इसमें गर्म पानी ही ऐड करें, नॉर्मल पानी डालेंगे तो वो खिचड़ी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो हमारी मसाला खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे आप सिंपली एंजॉय कर सकते हैं, पापड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो घर में ट्राई जरूर करना। इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।